आज लाइव न्यूज नाउ चैनल के साथ जुड़े हैं बकरू विधानसभा से प्रबल दावेदार चंद्र प्रकाश वर्मा जी, आप कोरोना काल में लोगों के बीच रह करके सक्रिय कार्य किया है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, क्या है कि वो समय ऐसा था कि हर व्यक्ति अपनी जान बचाने में जुटा हुआ था, मगर मुझे लगा कि अगर मैं मार्केट में या बाहर जाकर लोगों की सेवा करूँ तो मुझे बहुत खुशी होगी। इसका कारण क्या है कि लोगों की जान बचे, भूखा नहीं सोए, इसके लिए मैंने एक मुहिम चलाई जो मेरे क्षेत्र बबरू विधानसभा क्षेत्र में बबरू में सिटी में भी हॉस्पिटल में भी मैंने खाना वितरित किया और खुद मैंने यहाँ पर जो प्लांट है वो बंद पड़ा था उसको चालू करवा कर और मैंने खुद ने गाड़ी से सर्वे किया और सर्वे करके जहाँ जहाँ लोगों को जरूरत थी वहाँ वहाँ मैंने खुद ने खाना वितरित करना शुरू किया और भी गाड़ियाँ लगवाई मैंने और खाना पहुँचाना शुरू किया। तो मैं रोजाना करीबन 800,000 लोगों को खाना सर्व करता था और यहाँ एक ही प्लांट में बनता था और मुझे इस बात की खुशी है कि उस समय मैं बाहर था और लोगों के साथ सेवा करता था, तो मैं समझता हूँ इससे बड़ा क्या हो सकता है। आज देखा जाए कि बबरू विधानसभा में हमने की चर्चा किया तो ये हुआ कि वर्मा जी काफ़ी सक्रिय रहे कोरोना काल में और विधानसभा बबरू विधानसभा में प्रबल दावेदारी कर रहे हैं। जी, मैं कांग्रेस पार्टी से करीबन 25 साल से मेरा लगाव है। जब मैं नौकरी करता था उस समय भी मैं गेट पास लेकर और फिर पार्टी की मीटिंग में जाता था, तो जब से मैं सक्रिय हूँ मुझे महीने में 4 छुट्टी मिलती थी, उसके बाद ही मैं कम कार्य के लिए मैं जाता था, तो मुझे वहाँ जब से जुड़ाव है, मैं पार्टी की सेवा करता आया हूँ। जब किसी व्यक्ति को किसी पार्टी ने अगर तवज्जा नहीं मिले तो उसको एक महसूस होता है कि कार्यकर्ता इतनी कार्यशैली के बाद भी उसको नहीं कहीं जगह मिले तो सोचने मजबूर होता है, क्यों नहीं हम सामने आए और हम लड़े उस जनता के लिए, उस समाज के लिए, उस प्रदेश के लिए कि वास्तविकता क्या होनी चाहिए, इसमें आज ये गलत हो रहा है, किसी तरह के कई ऐसे हो रहे हैं, भ्रष्टाचार हो रहा है, लोगों के काम नहीं होते हैं, क्या कोई मेडिकल सुविधा नहीं मिलती है, इसलिए मैं आगे सामने आके और चुनाव लड़ने की मैंने रणनीति बनाई है। वर्मा जी हमें ये बताएं देश के हालात कैसे हैं और आप क्या बदलाव करना चाहते हैं? देश के हालात में सर देखिए ऐसा है कि अमीर अमीर होता जा रहा है और गरीब गरीब होता जा रहा है, ये मैंने जरूर देखा है और ये आपने भी देखा होगा क्योंकि आप भी एक उस मतलब मध्यम परिवार के निवासी हैं, मैं समझता हूँ जहाँ तक है कि अमीर के पॉकेट से पैसा बढ़ रहा है और गरीब के जो बैक पॉकेट में 5 रुपये थे वहाँ 3 रुपये रह गए, 2 रुपये रह गए, 1 रुपये रह गया, किसी के पास 0 रह गया। इसका रीज़न ये है कि जो भाजपा की केंद्र सरकार है उसकी नीतियाँ गलत रही है, उन्होंने जो अपने जो कार्यशैली थी उसके प्रति सही नहीं पाई गई। आज भी जनता परेशान है और वो चाहती है कि कांग्रेस वापस रिपीट होए और प्रदेश को खुशहाल करे। वर्मा जी बताएं अगर आपकी जीत होगी तो आपके भाव शैली क्या होगी, जनता के प्रति भाव शैली आपकी क्या रहेगी? मेरा मेन उद्देश्य रहेगा कि मैं केवल मात्र एकमात्र सेवा करना है और वो सेवा हर तरह से की जाती जा सकती है। जो इंसान होता है वो सब तरह सेवा करता है, जैसे मैंने कोरोना में किया, मैं कहूँगा नहीं मेरे मुँह से। कोरोना के साथ में आप किसी की मेडिकल हेल्प की कर सकते हो, आप चाहो किसी की परेशानी हो, घर की पारिवारिक स्थिति खराब हो उसकी सेवा कर सकते हो, मतलब सभी तरह से मैं चाहता हूँ कि मैं आगे बढ़कर और जनता की सेवा करूँ, ये मेरा लक्ष्य है। आज के परिवेश में देखा जाए तो युवा पीढ़ी राजनीति में क्यों नहीं आना चाह रही है, इसका क्या कारण? देखिए क्या है कि युवा जो है इसलिए नहीं है कि पुराने जितने भी लोग हैं वो सक्रिय कार्य करते रहे हैं, मगर आने वाले समय में जो पार्टियां वो तवज्जो नहीं देती और बूढ़े उस सीटों पे जमे हुए हैं, जितने भी लोग बूढ़े हैं ना नेता वो सब अपनी सीट नहीं छोड़ना चाहते, इसलिए युवा सोचते हैं कि हमें क्या करना है, वो बूढ़े बहुत हैं जो चला लेंगे आगे देख लेंगे, तो वो समझते नहीं ना आगे बढ़ना चाहते। देखा जाए सरकार और जनप्रति से जनता की क्या अपेक्षा होती है? जनता की अपेक्षा होती है कि उनको एक अच्छा जो विधायक मिले और वो उनके कार्यशैली को ध्यान से देखे, पढ़े, करे और समाज आगे बढ़े, अपना जो क्षेत्र है वो विकास हो और रोजगार के अवसर आए, तो जनता ये चाहती है। इसके अलावा और क्या चाहती है जनता? मैं तो समझता हूँ कि जनता इसमें संतुष्ट हो जाती है। आप परंपरागत आप किसान परिवार से, तो आप किस प्रकार राजनीति में आना चाहते हैं?
देखिए क्या है कि मेरा एकमात्र केवल है उद्देश्य सेवा करना। अब आप मुझे किसान के बेटे मान लीजिए, मुझे मजदूर का बेटा मान लीजिए, या किसी अन्य व्यक्ति और परिवार का व्यक्ति मान लीजिए, मेरा उद्देश्य मात्र केवल सेवा करना ही है। मेरा कोई ऐसा नहीं है कि मैं कोई बड़ा व्यापारी बनूंगा या कोई मुझे कोई और कोई नोट कमाने, आई डोंट नो। मैं इस तरह के खयालों में नहीं जीने वाला हूँ। मैं गरीब परिवार से हूँ और नीचे तबके के तगारी उठाते हुए मैं यहाँ पर पहुँचा हूँ। तो मेरा लक्ष्य केवल यही है कि मैं जनता की सेवा करूँ, ये मेरा लक्ष्य है। आपके कुछ अहम मुद्दे होंगे, आपने कुछ सोचा होगा। बिल्कुल सर, बगरू विधानसभा के लिए। बिल्कुल सर, बगरू विधानसभा को प्रॉपर पानी मिलना, ये मेरा पहला लक्ष्य है। उसके बाद में यहाँ पर डेवलपमेंट पूरा प्रॉपर तरीके से होना चाहिए, ये मेरा लक्ष्य है। यहाँ की जो जनता है वो प्रॉपर तरीके से अपने जो सिस्टम है वो फॉलो होए और करप्शन नहीं होए, ये मेरा लक्ष्य है। आम आदमी को हर तरह के सुविधा मिले, ये मेरा लक्ष्य है। जब भी मैं अच्छा एक नागरिक कहलाऊंगा जनता के लिए। आपका पूर्ण नाम? मेरा नाम चंद्रप्रकाश वर्मा है और मैं बगरू क्षेत्र निवासी हूँ, महापुरा ग्राम पंचायत में पढ़ता हूँ।